अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल बाजी? ठीक है तो वैसे ठीक है जी। हां मेरी बहन क्या था तो को पोलियोंग था? पोलियो है तो को जी। हां अच्छा ये देखिए ये जो है मेरी बहन माजूर है टांगों से। अभी आप चलकर कहां जा रही हैं? वहां बैठने जा रही हैं अपने घर जी। हां अच्छा आप ऐसे ही चलती हैं जी। हां आपके हाथ भी मुड़े हुए हैं जी। हां ये हाथ सही है, ये हाथ काम है। ये हाथ दिखाए सीधा, इस तरह करे सीधा। मेरी बहन आपकी कितनी उम्र है? उम्र है 35 साल। 35 साल जी। अल्लाह ताला रहम करे मेरी बहन आप पर। आप आ जाएं बैठ। ये मेरी बहन आप खुद बना लेती हैं जी? हाँ। अच्छा अगर आपको मशीन मिल जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जी। हाँ आप मशीन चला लेंगी जी? हाँ। आपका दूसरा हाथ तो मजबूर, आप फिर कैसे चलाएंगी? फिर दिन से एक हाथ से चला लेंगी आप जी। और ये अपने घर में बैठकर खुद ही अपने लिए कमाती है और खुद ही खाती है, तो इसकी खुददार फैमिली से ताल्लुक रखती है। आप देख सकते ना बहन, ये बहन डिसेबल होने के बाद भी इतनी खुददार है कि अपने हाथों से हाथ की कढ़ाई करके बेचती है और अपने घर का गुजर बसर करती है। हमें पता चला है इस बहन का चंद दिन से बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है, क्योंकि इस हमारी बहन के लिए बहुत ही लाइफ गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये इनके बूढ़े वालिदैन हैं, आज इनके वालिदैन जिंदा हैं तो इनका सहारा है, कल अगर ये इस दुनिया फानी से चले गए तो इस हमारी बहन का क्या क्या परेशानी है, क्या मसला है? बस बाकी कोई काम नहीं, एकदम ना संधाच थी दर्द होने पे और जो थे दर्द होने पे। अच्छा कहीं मेरे बहन पारते क्या कहने लगे? अब आपकी क्या परेशानी है? आपके लिए खाना पीना कैसे आप गुजारा करती हैं? जो नसीब मिलवे ने के प्रति के से जी मिलवे नहीं खावे नहीं है। आपकी क्या मदद कर सकते हैं आप बताइए? मशीन देवो। अच्छा ते मां अपना घर दा खर्चा करे सा, आप चला भिनसा ते हाथ थाली रेड़ी में कुडेवो ते मैं नमाज पढ़ दिया मंजल पढ़ दिया ओदी में दुखी थी नहीं तकलीफ नाल टूर दिया ओदे गिन गिनसा। माशाल्लाह आप नमाज पढ़ती हैं पांच वक्त? पांच वक्त माशाल्लाह। कुरान पाक भी जी? हां माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बहन खुददार फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये चाहती है कि मुझे सिलाई मशीन मिल जाए और व्हील चेयर ताकि मैं जो है वॉशरूम आने जाने के लिए वजू करने के लिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पांच वक्त की पक्की नमाजी है, तो जो भी बहन भाई अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करेगा तो इंशाल्लाह ये फैमिली उसके लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए हमारी बहन दुआ करेगी। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कोई भी बहन भाई फकत अल्लाह की रज़ा के लिए इस फैमिली की मदद करना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका हक़दार तक ही पहुँचेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।